मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे।
को 5 बजे अपनी सोसाइटी में सभी निवासियों से प्रार्थना है कि यहाँ पे आएंगे, पहले राम नाम की रथ यात्रा निकलेगी, उसके बाद 6 बजे 6:30 बजे मंदिर में आके यात्रा को विश्राम देते हुए दीप ज्वलित किया जाएगा और उसके बाद भजन, राम भजन कीर्तन वगैरह चलेगा और उसके बाद प्रसाद के रूप में आपको भंडारा मिलेगा। तो सभी निवासियों से प्रार्थना है, जैसे आज जैसे उत्सव के साथ आज मनाया, कल भी अपनी पूरी सोसाइटी में शाम को 5 बजे सब आने की कृपा करेंगे। सभी से निवेदन है, एक बार सब इधर आके राम नाम का नारा लगाया जाए। सभी साइन अपार्टमेंट के निवासियों से निवेदन है, धूप भी बुलवा दिया श्री राम ने आप सबके लिए। देखिए पीछे वाले साजी साहब, हेलो बोलो, श्यामल राम चंद्र भगवान। दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ चालू कर दिया आपने, एक तरफ सीता बीच में जगत के पालन जय श्री राम, जय श्री राम।
बोलो जय श्री राम, 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 जय मिलके बोलो जय श्री राम, मिलके बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जय सियाराम। दाता प्रजा नाम सुखम निर्विघ्नम गण नायकम प्रतिदिनम भानु प्रतापो दयाम शंभो दुर्गारे नाचंबुदा गंगा ते खलु पापे हानि सजनम लक्ष्मी सदा तिष्ठतु, लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। हे राम पुरुषोत्तम नर हरे नारायणं केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुण निधे दामोदरे माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। आदो राम तपोवनाथ गमनम हत्वा मृगं कंचनम वैदेहि हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निरदनलं समुद्रकरणं लंकापुरे दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननं एतादि रामायणं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की एक बड़ी खुशखबरी, वास्तव में राम भगवान यहाँ पे आ चुके हैं। अभी अभी चड्डा साहब, सुनील जी, विजय जी ये सारे बात कर रहे थे, अगले 3 महीने बाद अप्रैल के एंड में यहाँ से सोसाइटी की तरफ से बस या गाड़ी में अयोध्या जाने का प्रोग्राम बनाया है। ट्रेन अनाउंसमेंट आ जाएगी, फ्लैटों में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आगे कैसे प्रोग्राम रहेगा, कैसे नहीं है उनकी व्यवस्था और वहाँ कैसे रुकना है, कैसे दर्शन करना है, सारी सुख सुविधा के हिसाब से प्रभु राम के चरणों में अयोध्या जाएंगे। बोल सियावर राम चंद्र की जय। Come on.
राम राम
राम अठावन राम राम उनसठ राम राम साठ राम राम इकसठ राम राम बासठ राम राम तिरसठ राम राम चौसठ पैंसठ राम राम छियासठ राम राम सासठ राम राम अठासठ राम राम उनहत्तर राम राम सत्तर राम राम इकहत्तर बहत्तर राम राम तिहत्तर राम राम चौहत्तर राम राम पचहत्तर राम राम छिहत्तर राम राम सत्तर राम राम अठहत्तर अस्सी राम राम अस्सी राम राम इक्यासी यावर रामचंद्र भगवान जी की जय। अब ये बताओ राम जी के गुरु कौन थे? राम जी गुरु किसको मानते थे? शंकर भगवान को। ओम जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव हे राम सदा शिव हर दम निहारा ओम जय शिव हर महादेव। जो कोई दिन दावे मन प्रेम सहित दावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी भले पावे ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओम तारा बोल हर शिव ओम तारा बोल पार्वती का प्यारा बोल ओ पर जल धारा बोल तिलक भल प्यारा बोल रहते मत काल हरो प्रभु कष्ट हरो प्रभु दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर बाबा नमामि भोले नमामि शंकर बाबा नमामि भोले। जो वे ये है के आज के अंग के जय सभी सोसाइटी सभी के बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बधाई बहुत सोसाइटी की बधाई आप लोगों ने ऐसे बधाई को 5 बजे यात्रा सोसाइटी में और सबसे कोशिश करना सब लोग आएंगे 1 घंटे या 1.5 घंटे की फेरी लगा के फिर मंदिर में आ जाएंगे। मंदिर में दीप जलाने का रहेगा उसके बाद 2 घंटे का कीर्तन रहेगा उसके बाद प्रसाद वितरण होगा तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आए। हाँ जी सर। One eternity later. फ्रेंड्स ये देखो हमारे लाइटों में हमारा घर बलून के साथ कितना सुंदर लग रहा है ये देखो ये पूरा लाइटें एंड बलून। हाँ जी कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है। चलो 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 गाइस अब रात हो चुकी है हमने लंच और डिनर कर लिया है और मम्मा कल की तैयारी कर रही है। मम्मा ने दिए भिगो रखे थे अभी उनको सूखने के लिए रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। मम्मा हम कितने दिए लाए? काउंट करो 50 ओके 50 दिए। और इधर आप क्या कर रहे हो कटोरी में? अब ये दियो में जोत भी तो डालनी है। यस अभी इसके अंदर तेल डाल के भिगोगे? जो मेरा काम है मैं तेल डालता हूँ गाइस मैं डालता हूँ तेल हर चीज में डीओ में भी मैं तेल डालता हूँ।
ये इसलिए भी बोल देंगे ना कि इतना कॉटन में तेल पीना होगा पी लेगी, फिर सुबह हम उसी हिसाब से फिर तेल डालेंगे। नहीं तो फिर पता है क्या होगा, सुबह कॉटन डायरेक्ट ऐसे रख दो तो क्या होता है कि ऑयल फिर सारा कॉटन उस समय पी जाती है, फिर दोबारा ऑयल डालना पड़ता है, तो पहले ही बोल दो दोबारा ऑयल का झंझट ही चलो अब जब हम तेल डालेंगे तब आपको दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स अब आर्यन डाल रहा है इसमें ऑयल। बस बस स्टॉप 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 हो रहा है, धीरे धीरे स्टॉप होता है। अब स्पून से सारी डिप कर दो। यस मैं वही कर रहा हूँ, पहले मैं इसको इसको बाहर ही रहने दो, कल चाहिए ना ऊपर रख दो, पीछे करके पीछे करके कहीं गिर, हाँ कहीं गिर ना जाए। स्पून से इसको सारी कॉटन को डिप कर दो। अच्छे से सारी कॉटन डिप हो जाए सॉइल में, बस ऐसे ही दबा दो डिप हो जाए, मिक्स नहीं करना, सब्जी नहीं है ये, फिर मिक्स कर रहे हैं। डिप डिप डिप। चलो स्पून रख दो धोने में अब। जय श्री राम।